माध्यमिक शिक्षा परिषद के कक्षा 8 से 12 तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी गई है, जिसके संबंध में संयुक्त शिक्षा निदेशक योगेंद्र नाथ सिंह ने कहा कि सभी छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी गई है। स्वयं प्रभा चैनल के अलावा व्हाट्सएप ग्रुप बना के शिक्षा दी जा रही है। इसी के साथ छात्रों को पुस्तक भी उपलब्ध कराई जा रही है। संयुक्त शिक्षा निदेशक ने कहा कि जो छात्र अपनी क्लास में पास हो चुके हैं, वे छात्र अपनी पुस्तकें दूसरे छात्रों को दे सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संयुक्त शिक्षा निदेशक योगेंद्र नाथ सिंह ने कहा, नहीं ऑनलाइन क्लासेस चलाने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। फिर से उधर अप्रैल से चल रही थी कक्षाएं, अब इधर चलना है और ज़्यादातर स्वयं प्रभा चैनल के माध्यम से ही बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। और ये जो हम लोग अब यूट्यूब वगैरह पर अपने चैनल बना करके बहुत सारे वीडियो डाल रहे हैं तो बच्चों को उपलब्ध हो जाएंगे, बच्चे उससे पढ़ाई करेंगे। सर बुक भी लेना होता है बच्चों को, बुक कहाँ से मिलेगा? बुक के लिए ये कहा गया है, बुक उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है और बच्चे बुक खरीदेंगे। और ये भी एक सुझाव आया है कि जो पुराने बच्चे हैं जो पास आउट हो गए हैं, अगर उनकी किताबें भी उपलब्ध हो जाती हैं तो विद्यालय उनको भी लेकर सहयोग करे कि थोड़ा बच्चों को पुराने बच्चों की किताबें उपलब्ध। सिलेबस में कोई चेंजिंग है? सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं है।